यहां से आरएसएस का मिशन चलता है, यहीं से बाबा साहब का मिशन चलता है। और मिशन का यही प्रत्यय है कि यहां से ही आदिवासियों का आंदोलन पूरे देश में जाना चाहिए। इसलिए यहां पे आने वाला हर आदमी, हर कार्यकर्ता, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ओपन हो, वो तमाम लोगों का बिरसा मुंडा के विचारों पर अटूट विश्वास है। हमारे लिए प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में आदिवासियों को नागपुर में जमा होने के लिए जगह मिलेगी, यस या नो? अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं बोलती है तो आदिवासियों को पर्यायी रास्ता अपनाना पड़ेगा साहब। अगर ये मालिक है, यहां के बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है, आज देखने में आ रहा है कि आदिवासी जनता यहां पे जमा है, पुलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार के लोगों से कि अभी समय नहीं आया, अभी हमको एक उम्मीद बाकी है। आप लोग यस बोलते हो या नो बोलते हो? जिस दिन आप नो बोलोगे सर, जिस जगह मैं खड़ा हूं यही बिरसा मुंडा का पुतला लग जाएगा। किसको किसको गिरफ्तार करेगी गवर्नमेंट? यही ग्राउंड पे बैठेंगे अगर बिरसा मुंडा का पुतला, अगर सरकार हमको पर्यायी जमीन नहीं दी तो। अरे हमने मुख्यमंत्री को भी बताया, हमारे कुछ साथी जो शासन में है वो शासन से बार बार इस पे बात कर रहे हैं। पिछले 15 नवंबर को भी यही बात यहां से खड़ी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक के कोई अमल नहीं हुआ। अभी तक के गोरेवाड़ा का इन्होंने जो गोंडवाना संग्रहालय, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय बना रहे, जिसको म्यूजियम बोलते हैं लोग, वो म्यूजियम भी इन्होंने तैयार नहीं किया, क्योंकि मामला आदिवासी का है, मामला कुआरा भीषण का है, मामला कचारगढ़ का है, ये गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करती। साथियों बुरा मत मानना, अपने नेता भी नहीं करते। आज गवर्नमेंट भी बात नहीं करती है, अपने नेता भी बात नहीं करते हैं, तो जवाबदारी समाज के आम नागरिक पे आ गई, हमारे और आप पर आ गई। हमको ही बात करना पड़ेगा, हमको ही तय करना पड़ेगा। ये सरकार एक षड्यंत्र कर रही है, षड्यंत्र ये कर रही है कि माधुरी पाटिल के जजमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई, अनुसूचित जनजाति जाति पड़तालनी समिति, उसमें एक्सपर्ट्स लोगों को लगाया गया, उसमें साइंटिस्ट लोग हैं, सोशल ग्रेजुएट्स लोग हैं, उनकी एक टीम है जिसको एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हिस्सा भी है, वो तमाम टीम आदिवासियों पे संशोधन कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नई चाल आदिवासियों को खत्म करने के लिए चलाई, ये लोगों ने टाटा की एक निजी संस्था है TISS, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बोलते हैं, उसके माध्यम से इन्होंने प्रधानों का सर्वे करवाया, गोंडों का सर्वे करवाया, उधर महादेव कोड़ी का सर्वे करवाया, इधर में आंध का करवाया, और ये सर्वे के रिपोर्ट में ये लोग आदिवासियों को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ये संस्था संविधानिक संस्था नहीं है। अबे आदिवासी कौन है? टाटा डिसाइड नहीं करेगा, आदिवासी तय करेगा टाटा कौन है। ये आंदोलन है हमारा। अरे किसको टाइ किया है? आदिवासियों को आधार कार्ड, मूल निवासी को आधार कार्ड? इस देश का नागरिक होना और इस देश का मालिक होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
इसलिए आदिवासी आदमी इस देश का मालिक है, उसको नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्या हाल है, हमारे लोगों के इतने बुरे हाल है भाइयों कि इस देश में जानवरों के इतने बुरे हाल नहीं है जितने आदिवासियों के हैं। अंडमान निकोबार में ओंगा आदिवासियों की संख्या सिर्फ 100 बज गई है। कितनी? 100। वो 100 लोग जिंदा है अभी, ओंगा आदिवासी समाज के सिर्फ 100 लोग जिंदा है अंडमान निकोबार में, और वो पिछले 5 साल से 100 ही लोग है, 101 नहीं हुआ। वो सिर्फ 100 ही लोग है। दूसरी तरफ सरकार की योजना चल रही है शेर की संख्या बढ़ाओ। ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा। शेर की संख्या बढ़ रही है और आदिवासी की संख्या घट रही है। यह सरकार किसको जिंदा रखना चाहती है, शेर को या आदिवासी? ये बोल रहे हैं जंगल बचाओ, ये लोग बोल रहे हैं जंगली जानवर बचाओ, ये लोग बोल रहे हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन तीनों को जिसने बचाया वो आदिवासी बचाओ नहीं बोल रहे। अभी सरकार को आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, कामदेव बाबा से ही फुर्सत नहीं है। कामदेव बाबा, हमने बोला कि भैया रामदेव बाबा को बोलो जितना गड्ढा एक आदिवासी भाई खोदती है उतना खोद दे, तेरे योगा की वाट लग जाएगी, इधर की कमर उधर लग जाएगी। उनको सम्मान, उनको नागपुर में बुला के 200-200, 400-400 एकड़ जमीन दे रहे हैं, लेकिन जिनका नागपुर है वो लोग 20 एकड़ जमीन के लिए तरस रहे हैं। मामला क्या है? जिनका नागपुर है वो लोग 20 एकड़ जमीन के लिए पिछले 13 साल से भटक रहे हैं। कोई सरकार बात नहीं करना चाह रही है। रामदेव बाबा आता है, आधी चड्डी पहनता है, पेट को अंदर बाहर करता है। अबे जितने दिन आदिवासी भूखा रहता है उतने दिन भूखा रह जा, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन उसका सम्मान, 200 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, ये आदिवासियों का खुला अपमान है, खुला। ये अपमान ये समाज सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जो बच्चा, जो जो व्यक्ति, जो जो अधिकारी, जो जो नेता, जो जो महिला महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा के विचारों पे विचार करते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, वो कभी चुप नहीं बैठ सकता है, वो जरूर इसके खिलाफ में विद्रोह करेगा। एक गलत फहमी, एक गलत फहमी सब तरफ फैलाई जा रही है, ये आदिवासी वनवासी है, आदिवासी वनवासी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है आदिवासी मूल निवासी। ये भाइयों की बात सुनेंगे जो वनवासी बोल रहे हैं कि इस देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद भी इस देश के आदिवासियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है, आदिवासी आदमी, आदिवासी संस्कृति, ये दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। इनको आदिवासियों की जमीन होना, आदिवासियों का खून होना, आदिवासियों का आरक्षण होना, लेकिन आदिवासी नहीं होना। आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, आपकी बहन सुरक्षित नहीं है, आपका गांव सुरक्षित नहीं है, आपके जंगल सुरक्षित नहीं है। मेरे भाइयों, किसी दूसरे गांव में जाके देखो,
अगर कोई दूसरा गैर आदिवासी गांव है तो वहां पुलिस की चौकी लगाते हैं लोग, लेकिन आदिवासी गांव है तो वहां मिलिट्री का एसआरबी का कैंप लगा देते हैं। एसआरपी यानी हाफ मिलिट्री, पहला मिलिट्री फोर्स, बाकी जगह पुलिस, लेकिन आदिवासियों के सामने अगर डील करना है आदिवासियों को तो सेना लगाते हैं। इसका मतलब साफ है, ये गवर्नमेंट आदिवासियों के साथ में युद्ध करने की बात कर रही है। पूरा मध्य भारत, गढ़चिरौली से लेकर गुजरात के डांग से लेकर तो झारखंड के उड़ीसा के कालाहांडी तक पूरा आदिवासी भारत जल रहा है। देश की 50% सेना ये लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में लगा के रखी है। 50% सेना वो नंगे भूखे आदमी के गांव में क्या कर रही है रे भाई? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने सेना को वहां लगाया है? इसका मतलब साफ है, इनकी नियत आदिवासियों की जमीन पर है, उनके जंगल पर है, उसके नीचे जो खनिज है उस पर है, उनके संसाधनों पर है। ये लूटना चाहते हैं आदिवासियों, इनको मालूम है पाकिस्तान पर युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान पर हमला करके कोई फायदा नहीं है, फायदा आदिवासियों पर हमला करके है। एक सिक्त युद्ध चल रहा है। अरे हमारे लोग खून इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको 800 रुपए की जरूरत है, उनको खाने को रोटी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, वो गरीबी से जूझ रहे हैं। वो बेचारा 800 रुपए में अपना खून बेच रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई रीढ़ की हड्डी बेच रहा है, कोई अपनी बच्ची को बेच रहा है। अरे गांव में तो हालत इतने बुरे हैं कि आदिवासी माताएं अपना खुद का दूध बोतल में बंद करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेच रही है, और ये लोग आदिवासियों के बीपीएल कार्ड का नाम काट रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का नीचे का जो कार्ड है उसमें से आज इन्होंने 70% आदिवासियों के नाम हटा दिए। इसका मतलब यह है कि ये यूनाइटेड नेशंस में बताना चाहते हैं कि आदिवासी गरीब नहीं है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में किसी देश में नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है। साथियों ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं कि इस बात पे मीडिया छापता नहीं है, अरे मीडिया तो आदिवासियों पे बोलता भी नहीं है। किसी आदिवासी बच्ची को नंगा सड़क पे घुमाते हैं तो मीडिया छापता नहीं, किसी आदिवासी बेगुनाहों को ये लोग खले से दौड़ा के गोलियों से मारते हैं तो मीडिया छापता नहीं, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची 16 साल में आतंकवादी नहीं बनी, किसी ब्राह्मण समाज की बच्ची 12 साल में आतंकवादी नहीं बनी, लेकिन आदिवासी समाज की बच्ची 10 साल में नक्सलवादी बन जाती है। मामला क्या है यह बात क्लियर होना चाहिए, गंभीरता पे बात होनी चाहिए। क्या है आपके पास, किसके भरोसे चलेगा यह समाज, कौन है इसके चालक पालक और मालक, कौन इसके वजूद को संभालेगा, कौन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचेगा, इस पर विचार करने के लिए यह मिशन चल रहा है। अब तो आपके पास आरक्षण भी नहीं है। इस देश में 70% मजदूरी करने वाला आदिवासी आदमी है, वो 70% मजदूरी करने वाला आदिवासी आदमी यानी आखिरी काम करता है, जिसको गड्ढे खोदने का काम बोलते हैं आप। अब यह सरकार ने तुमसे गड्ढे खोदने का भी काम छीन लिए है, गड्ढे खोदने की भी मशीनें निकल गई है। आदिवासी 80% आदिवासियों के सामने काम का प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर वो गड्ढे खोदने का भी काम उससे छीना जाएगा
कौन सा काम करेगा, जिंदा कैसे रहेगा। बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, अब आरक्षण नहीं है तो कहां नौकरी करेंगे, क्योंकि नौकरी नहीं है। ये जो मिहान प्रोजेक्ट है, ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये आदिवासियों की जमीन पर से गुजर रहा है भाई। जो मिहान में जमीन गई, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में 42% जमीन आदिवासियों की है। और इसी मुद्दे को लेके हम लोग लड़ाई छेड़ रहे हैं कि कम से कम 42% आरक्षण मिहान के नौकरियों पे आदिवासियों का होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का आदिवासी भी वहां काम करेगा, छत्तीसगढ़ का भी आदिवासी काम करेगा, झारखंड का भी आदिवासी काम करेगा, क्योंकि जिंदा रहने का प्रश्न है। अब कांडू नेताओं पे विश्वास करके काम नहीं चलेगा। आप किसी इन लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, ये तो विश्वासघात कर रहे हैं। सब दिखाई दे रहा है लेकिन सब चुप है, मामला क्या है। मैं बिरसा मुंडा की जयंती है, तेरे बाप की जयंती है, जिसके भरोसे देश में तुमको पहचानते हैं। अगर बिरसा मुंडा का वो कानून नहीं बनता इस देश में, तो देश को आजादी भी नहीं मिलती। आजादी के पहले का कानून है 1898 में, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। वो कानून बनाने के लिए 1,00,000 आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दी। 1,00,000 आदिवासियों की कुर्बानी के भरोसे विश्व में किसी देश में कानून नहीं बना जो भारत में बना, तब संविधान में नहीं था। कानून ये बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं खरीद सकता, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं खरीद सकती। यानी अंग्रेजों ने आदिवासियों को पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता दे दी थी, इस बात को दबाया गया। और धार्मिक आधार पर इधर मुसलमान इधर हिंदू एक भारत बन गया, एक पाकिस्तान बना दिए। अगर तब बंटवारा होता देश का, तो ये गोंडवाना भारत होता, आदिवासी भारत होता। साथियों, बिरसा मुंडा का नाम इस तरीके से दबाया गया है जैसे किसी क्राइम में से फाइल गायब की जाती है, किसी पुलिस स्टेशन में से फाइल गायब किया जाती है। अरे गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला कि मैं अपने आंदोलन का गुरु बिरसा मुंडा को मानता हूं, यह बात दबाई गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भंडारा से इलेक्शन हारा, यहां के दलितों ने, यहां के ओबीसी ने, यहां के आदिवासियों ने उनको हरा दिए। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस का भाई कांग्रेस से और बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, वो लड़ाई लड़े, आदिवासियों ने बगावत किए और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जीता के दिया। और बाबा साहब अंबेडकर वहां से जीत के गए, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का उनको मौका मिला। अगर बाबा साहब को बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं मिलता, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग नहीं मिलते, तो बाबा साहब को संविधान बनाने का भी मौका नहीं मिलता। और संविधान नहीं बनता तो आपको हमको ये अधिकार नहीं मिलते, आरक्षण नहीं मिलता, स्वरक्षण नहीं मिलता। दूसरी तरफ जिस महात्मा गांधी को हम भी महात्मा बोलते हैं, आज के पेपर में आया कुछ लोगों ने बोले गांधी को महात्मा मत बोलो, हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम महात्मा बोलते हैं, आदिवासी ने किसी का अपमान नहीं किया। आदिवासी के घर में कोई भी जाता है तो बिगर बोले पानी देता है, बिगर बोले चाय देता है। ये एक ऐसा आदिवासी आदमी, अगर उसके घर में कुछ खाना होगा तो खाना भी दे देता है। और दूसरा आदमी आपके पास आके पूछता है पानी दूं, ये एक संस्कृति है और दूसरी आदिवासी संस्कृति, जो दिल खोल के साफ मन के सामने साथ में समाज के सामने जाते हैं, आदमी से आदमी को समझते हैं, वो है आदिवासी संस्कृति। तो गांधी जी
साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, टाई कोट पहन के आए, वकील थे। जब वो रामगढ़ में गए झारखंड में, तब झारखंड बिहार अलग नहीं हुआ था, बंगाल अलग नहीं हुआ, तब आ गए तो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। उस अधिवेशन में गांधी जी ने बोर्ड देखा, शहीद महामानव बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कौन आदमी है, ये क्या चाहता था? तो कुछ लोगों ने बताया कि ये आदिवासी आदमी है, ये यहां के गरीब शोषित आदिवासियों के लिए लड़ते थे, उनके जंगल पर मालकियत के लिए लड़ाई लड़ते थे। और इनका नारा था मोड़ा घास बोल गांव, उसका मतलब होता है मावा नाटे मावा राज। हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में हमारी सरकार। गांधी जी प्रेरित हो गए, उन्होंने बोला कि इसी आंदोलन की देश को जरूरत है। तब से गांधी जी ने कोट पैंट उतारा, बिरसा मुंडा जैसी लंगोटी बांधे और पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़े। साथियों, इस देश ने गांधी जी को राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता बोला, हमने कुछ नहीं बोले, हम बेमान्य हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर गांधी जी राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा इस देश का राजा होना चाहिए, उसको कौन सा सम्मान देंगे आप? मेरी उम्र अभी 41 साल हो गई, मैंने अभी तक के पेपर में नहीं पढ़ा कि किसी आदिवासी आदमी को भारत रत्न देने की बात सरकार कर रही है, किसी आदिवासी शहीद के बारे में भारत रत्न पर विचार कर रही है। और जब हमको समझा तो हम अब उसका विरोध कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि एक भी आदिवासी क्रांतिकारियों को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि भारत इनका है, ये तो भारत के ही मालिक है, इनको रत्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मालिक को ही मालिक का पुरस्कार दे रहे हैं, आपने गलती से बाबा साहब को दे दिया, लेकिन अब ये गलती नहीं दोहराएंगे हम। बिरसा मुंडा का आंदोलन अभी तक के पहली की किताब में नहीं पहुंचा, बिरसा मुंडा का आंदोलन अभी तक के चौथी की किताब में नहीं पहुंचा। ये लोग हमको अपमानित करते हैं, खुले तौर पे अपमानित करते हैं। अरे हमको फांसी की सजा होती है, हमको नीम के झाड़ को लटका देते, पीपल के झाड़ को बांध देते, बाबूराव शर्मा के साथ में हो, हमारे को फांसी की सजा होती है, शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप में बांध के उड़ा देते हैं। हमको डराते हैं कि तुम अगर सरकार के खिलाफ में बगावत करेंगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। भाइयों, ये जो आंदोलन है, ये जो जयंती है, इसके लिए रामटेक से लेकर तो काटोल तक, काटोल से लेकर तो सावनेर तक, सावनेर से लेकर तो हिंगना, हिंगना पुट्टी बोरी, हर जगह का आदमी, नागपुर जिले का, नागपुर शहर का, वाड़ी, हर जगह का आदमी आया है। और उससे बड़ी बात, या मलचखंड से आदमी आया है, या बस्तर से आदमी आया है, या गढ़चिरौली से आदमी आया है, या मेलघाट से आदमी आया है, या पचमढ़ी से आदमी आया है, या सिवनी से आदमी आया है, बालाघाट लखनादौन से आदमी आया है, इसका मतलब साफ है कि समाज चाहता है कि अब समाज का सामाजिक मिशन स्थापित हो जाना चाहिए। और समय आ गया है, हमको ये छोटी राजनीति, गंदी बात, एक गाना निकला था गंदी बात, गोंड प्रधान के नाम पे राजनीति करना गंदी बात, पार्टी के नाम पे राजनीति करना गंदी बात, समाज के गरीब लोगों को बहकाकर उनको गलत रास्ते पे ले जाना गंदी बात, हमारे लोगों को आपस में टुकड़े टुकड़े में बांटना संगठन के नाम पे गंदी बात। तो ये गंदी बात से आप लोग दूर हो जाओ। अब किसी भी पार्टी में होगे, लेकिन समाज तो आपका एक है, आपकी सामाजिक सोच एक होनी चाहिए, आपकी विचारधारा एक होनी चाहिए, आपका मिशन एक होना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत जल्दी
यह मिशन पूरे भारत में एक विकराल रूप दे रहा है, देखने वाला है। मेरे बीच में जादव सर है, पूर्व आमदार राम रतन राउत है, अलावा सर है, सेनानी सर है, हमारी बेंकुले मैडम है, हमारे बालाघाट से आए लोग है, वरखड़े दादा है, नौरती दादा है, मेरे तमाम साथी लोग है। मैं आप लोगों से विनंती करता हूं कि आप लोग इस मिशन को चलाने के लिए, इस मिशन को गांव गांव तक के ले जाने के लिए, कम से कम हर घर से रोज एक रुपया इस मिशन के लिए मिलना चाहिए। हर घर से एक एक रुपया अगर रोज मिलता है तो मिशन को लाखों रुपए आएंगे। ये जो बच्चे बेरोजगार दिख रहे हैं ना, ये मिशन में ही काम करेंगे, किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। इनको आप मानदान पे सामाजिक कार्य करवा सकते हो। मिशन का कहना है एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कैडर बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा। आपको परमानेंट मिशन चलाना है, आपको परमानेंट प्रोसेस के लिए काम करना है, आपको यहां के उड़ाव भाई मुंडा भाइयों को साथ में लेना है, आपको कोरकू को साथ में लेना है, आपको संथाल को साथ में लेना है, आपको कोलाम को साथ में लेना है, माड़िया को साथ में लेना है, आपको तमाम वर्गों को साथ में लेके एक मिशन चलाना है। अब ये जात पात का मामला नहीं रहा, ये छोटी दुकानदारी बंद हो जाना चाहिए, ये प्रधान के नाम पे, गोंड के नाम पे, भील के नाम पे दुकान बंद, पार्टी के नाम पे दुकान बंद, केवल सामाजिक मिशन समाज में चलना चाहिए, सब एक जगह आना चाहिए। इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बिरसा मुंडा की दो बातें बताता हूं, हमारा समय हो रहा है, सब अतिथियों को हमको थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए देना है, और एक प्रोसेस के तहत कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बच्चे आए हैं, जंगलों से आए हैं, वैसे हम लोग लेट कर लिए। मैं आप तमाम लोगों का हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, माफी मांगता हूं, किसी ने बराबर खाना नहीं खाया होगा, किसी को असुविधा होगी, माफी। लेकिन आपसे अपील करता हूं कि इस मिशन का तन मन धन से सहयोग करो। ये किसी नेताओं के दरवाजे पे भीख मांगने नहीं जाएंगे, किसी दूसरे पूंजीपतियों के दरवाजे में भीख मांगने नहीं जाएंगे, ये आपके दरवाजे पे भीख मांगने आएंगे, क्योंकि उनका हक है। आप इस समाज के सब दारोमदार आपके ऊपर है, आप इस समाज के चालक पालक और मालक है। मेरे बीच में जितने लोग बैठे सब मिशनरी माइंड के लोग हैं, अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग महत्व है। हर आदमी को सम्मान मिलना चाहिए, हर आदमी की बात होनी चाहिए। आज स्टेज के नीचे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे कवर्ती दादा कॉमरेड, ऐसे नीचे में और लोग बैठे हैं, उधर चेयर्स पे महामानव बहुत सभी लोग जिनका अपना एक कार्यकाल है, ये सभी लोग स्टेज पे बैठने लायक लोग हैं। लेकिन बात मिशन की है, मिशन स्टेज से शुरू नहीं होता, जमीन से शुरू होता है, वहां पे काम करना पड़ेगा। स्वार्थी बना छोड़ो, ज्यादा स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, मेरा घर, मैं अपना अपना देखूंगा, दूसरे मरता है तो मरे, ये सोच छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मौत भी कुत्ते जैसी हो जाएगी। आपको सबको साथ में लेके चलना है, परिस्थिति बहुत गंभीर है, अभी तो हमारे भगवान भी खतरे में है, कुंवर भीषण भी खतरे में है, उधर लिंगों का स्थान कचारगढ़ भी खतरे में है, उधर बिरसा मुंडा की जन्म स्थली भी खतरे में है, टंटा भील की भी जन्म स्थली खतरे में है, बाबूराव शर्मा जी की भी जन्म स्थली खतरे में है। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों से विनंती है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस मिशन के लिए, इस मिशन के काम के लिए जो सहयोग आप लोग करते हैं, मैं तमाम लोगों के बीच में, तमाम साथियों के बीच में आप लोगों का
मूवमेंट के माध्यम से हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूं मैं। खास करके मध्य प्रदेश से आई टीम, छत्तीसगढ़ से आई टीम, झारखंड से आई टीम का। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आप समझ जाते हो, मान जाऊंगा मैं ज्यादा उस, ऐसे लोगों को संभाल के बताऊंगे आप। ये जो भीड़ है ना, एक से कलाकार है इसमें, हमको सबको लेके चलना पड़ता है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तब हमारे साथ में शंकर दादा, मनोज कोले, राम रतन बाबू का बहुत अच्छा काम था उस वक्त। हमको हंसते थे, मैं कहां से ला लिया बिरसा मुंडा, किसका रिश्तेदार है बिरसा मुंडा, मेरे को पागल समझते थे लोग। लेकिन आज फक्र है, 20 साल में मध्य भारत नहीं पूरे भारत में ऐसा कोई आदिवासी गांव नहीं है जहां बिरसा मुंडा का नाम नहीं गया है, और आज पूरे देश में बिरसा मुंडा की जयंती हुई। जय जय बिरसा, जय जय बिरसा। साथियों, हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए इस देश में राष्ट्रीय छुट्टी है। हर समाज के लिए, क्रिश्चियन भाई के लिए, मुस्लिम भाई के लिए, हिंदू भाई के लिए, सरदार भाई के लिए, सिंधी भाई के लिए, फारसी भाई के लिए भी है। लेकिन जिनका ये देश है उनके लिए एक भी छुट्टी नहीं है इस देश में, एक भी राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है। हम चाहते हैं 15 नवंबर को भी राष्ट्रीय छुट्टी डिक्लेयर होना चाहिए, 15 नवंबर को पूरे देश में आदिवासियों को छुट्टी मिलना चाहिए। मैं, हमारी बैंकुले मैडम को 5 बजे जाना है, उनकी 5 बजे की ट्रेन है। मैं कॉर्डलेस माइक बैंकुले मैडम तक के पहुंचाओ, मैं नाम लेता हूं उन तमाम लोगों को, आप थोड़ा थोड़ा समय देकर उनका अभिवादन आप लोग स्वीकार करेंगे। बैंकुले मैडम, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, मुंबई की वकील है, सह्याद्री बेल्ट में इनका बहुत अच्छा काम है, ये पूरा फैमिली डेडिकेटेड है, इनके मिस्टर लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में है, बहुत बड़े व्यक्तिमत्व के लोग हैं। मैं उनको सामने बुलाना चाहता हूं और मैडम से विनती करता हूं कि वो अपनी बात पब्लिक के सामने रखे। उनसे माफी मांगता हूं कि मैं ज्यादा बोल दिया, उन लोगों को टाइम नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए जरूरी था मैडम ये पार्श्व भूमि बांधने का। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जगहों पे बैठ कर पूरी शांति से सबकी बात सुनेंगे, बोलिए मैडम। सबसे पहले मेरे सभी आदिवासी भाई बहनों को मेरा